given information is x square plus 1 upon x square equal to 27. And it is asking for x minus 1 upon x. So, how we will approach this question? वो देखते हैं. क्या कह रहा है? X square plus 1 upon x square equal to 27. ये हमें given है. हमसे पूछ क्या रहा है? X minus 1 upon x की value पूछना. Okay? तो let मैंने क्या कहा? X क्या है? A है. और 1 upon x क्या है? B है. मैंने कहा a minus b का whole square मैं लिखता हूँ वो क्या होगा a square plus b square minus 2ab. ओके अगर आप यहाँ से देखें तो मैं x minus 1 upon x का whole square लिख रहा हूँ ये क्या होगा x square plus 1 upon x square और ये value मुझे कितनी given है 27 minus 2 into x into 1 upon x तो ये 2 सिर्फ रह जाएगा तो यहां से ये कितना आया 25 x minus 1 upon x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 और यहां से x minus 1 upon x इक्वल टू +5 एंड -5 बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल अगर सपोज करो यहां पर मुझे x की पावर 4 और x की पावर 4 ये इंफॉर्मेशन कुछ गिवन होती let's say some value y कोई एक value given है और आपसे ये पूछ रहा है तब आपको क्या करना है same approach पहले क्या करना है आपको इसके x की power 4 और 1 upon इससे आपको क्या calculate करना है सबसे पहले ये calculate करना है और जैसे ही ये calculate कर दिया उसके बाद ये last का step ये ऐसा ही यहां से ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ओके सो नाउ लेट मी कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है इंफॉर्मेशन गिवन है a plus b equal to 12 a into b equal to 8 और आपसे पूछ रहा है a upon b प्लस b अपॉन a ये वैल्यू पूछ रहा है तो अगर आप इसको ठीक से लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा ये ba हो जाएगा या आप कह लीजिए ab हो जाएगा यहां से a स्क्वायर और यहां से b स्क्वायर ये इतना हो जाएगा जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं ये इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये लिख सकता हूं अपॉन ab लिख सकता हूं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab विल बी कैंसिल आउट एंड नाउ a प्लस b की वैल्यू आपको गिवन है 12 स्क्वायर मींस 144 माइनस 2ab ab की वैल्यू 8 गिवन है 2ab मींस 16 अपॉन a आप इस चीज को इवैल्यूएट कर लीजिए एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a ओके एंड दैट्स इट